सब दीदी और बहने समान नमस्ते, मान नाम रजना तिवारी। नमस्ते दीदी। नमस्ते बहनी, आओ बैठा। और दीदी भले है वो? हाँ बहनी भले है। और खेती बाड़ी माँ का होत व्यवसाय? का होत बहनी है, मटर वटर बैठा जाता है। खेती बाड़ी का हाल चाल बताई दीदी, जन पिछली बार बोए रहे नहीं के, अब की ना मन कहा तो बोए का, ये बैठ के सोचा था ही ना पैदावार ही बढ़िया। कौन चीज खेती करे रहो? मटर का। मटर बोए रहो? हाँ। अच्छा से ना भा है? ना ही। अच्छा अच्छा दीदी, आप मटर को बोवाई कैसे करे रहे कि ना जाम है? दीदी छिटका बोए दे थे, आधा जमबे ना कर तो ऐसे जन रोग वोग लग जाता है। अच्छा दीदी, आप निराश न हो, बगलिया गाँव में गात्री दीदी है, वही मटर की खेती नई भी से बहुत अच्छी कर रही थी, और आपको चलो उनसे मिला दी, आप मटर की खेती करें। अच्छा चलो दीदी, आप मिला दे। चलो दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते बच्चे। नमस्ते दीदी। नमस्ते बच्चे। बच्ची आपको पहचान थी, इनका पहचान थी बताओ। दीदी है शारदा दीदी हुआ, पिछली बार मटर खेती कर रही है और इनके खराब हो गए, और अब की बार ये मटर खेती ना करवाइया है। आप जिससे नई बीज से करत ही मटर खेती, आप उन्हें हाँ। बता दे और ये सीख लें, आप ये करें, आप मतलब कि मटर खेती बढ़िया से ठीक होता है। दीदी मटर की खेती कैसे करत है ना आप? बहनी हम मटर बोए के पहले तो बीज को उपचार करी थे। अच्छा दीदी, मटर के बीज उपचार करने में कौन कौन सामान लागत है? पश्चिम मटर के बीज उपचार करने में मिट्टी के ढक्कन सहित बर्तन होना चाहिए। अच्छा दीदी, और मटर के बीज 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से चाहिए है। 90 ग्राम दवा जो है ये ट्राइकोडर्मा। अच्छा दीदी, कटोरी चम्मच आवश्यकता अनुसार पानी में चाहिए। अच्छा दीदी, उसके बाद दस्ताना या फिर प्लास्टिक की पन्नी हाथ में बांध लीजिए। अच्छा दीदी, और एक जूट का बोरा हो चाहिए। अच्छा दीदी। अच्छा दीदी, एक मट्टी युक्त बर्तन चाहिए। हाँ। मिट्टी के, और 45 किलो बीज चाहिए मटर के। हाँ, प्रति एकड़ में। हाँ, और पॉलिथीन दस्ताना हो या फिर पन्नी से काम चलावे। हाँ। ठीक, पानी युक्त कटोरी या चम्मच में पानी। हाँ, 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 सकता हूं। हाँ। और 90 ग्राम ट्राइकोडर्मा चाहिए। हाँ। और एक जूट का बोरा चाहिए दीदी। इतना सामान लागे दीदी? हाँ, हाँ। अच्छा दीदी, इतना सामग्री हो गए। हाँ। अब दीदी बीज उपचार कैसे कही जाए आप हमें बताए दें। बहनी सब यही बर्तन में मटर बीज जो है डाल दे। अच्छा दीदी, उसके बाद 3 से 4 चम्मच पानी डाला जी। अच्छा दीदी, आवश्यकता अनुसार। के बाद हमें जो है ट्राइकोडर्मा दवा जो है डाला जी। अच्छा दीदी, बस एक ढक के बाद में कर थोड़ा इसे ऊपर नीचे इसे मिला दे बजे। अच्छा दीदी, देखा बहनी ये मिल गए। अच्छा दीदी, अब देखा पूरा एक परत दवा ऊपर तक चढ़ गया में। बच्चे का थोड़ा बांध में हेल्प करे मार तो। अब एक जूट की बोरा पे जगह बच्ची सूखे के लिए 2 घंटा छाए में फैला दे। अच्छा दीदी। अच्छा दीदी, ये पानिया का है आप पहने हैं, इससे कोई नुकसान न करे दवा। अच्छा,
अच्छा दीदी, अब दो घंटा हो गया, अभी काव कही जाए। अब एक बहनी बवाई करे थे। चलो बहनी तो बहुत ही दिखाई। कैसे कह रहे हो के बारे में जानकारी थोड़ा दे दे। बहनी खेत में पहले हम 20 किलो नाइट्रोजन और 20 फास्फोरस और 16 किलो पोटास प्रति एकड़ हिसाब से डाल के एक ही हम लोग जो तैयार है पाटा लगवा दे रहे हैं। अच्छा दीदी। और बहनी नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस की पूरी और पोटास की पूरी मात्रा अंतिम तैयारी में डाले रहे हैं। अच्छा दीदी। और वही शेष नाइट्रोजन जो है कि बुवाई के 20-25 दिन के बाद छिड़काव भी पर डाला जाए। अच्छा दीदी। खेत का तैयारी और खाद का मात्रा दीदी आप बता देना, बुवाई कैसे हुए दीदी? खेत की तैयारी के बाद हमने ये 2 फीट की दूरी पर लाइन की मतलब ये छोटी छोटी क्यारी बना लेंगे है, सिंचाई में सुविधा रहे सिंचाई करने में। और के बाद जो है बिया जो है ये 4 अंगुल गहराई और लगभग 8 अंगुल की दूरी पर बिया बो रही है। अच्छा दीदी। ये देखा बच्ची, 4 अंगुल की गहराई है, लगभग 8 अंगुल ये इतना लंबा ये इतनी दूरी पर ये बिया डालीजिए। अच्छा दीदी, गहराई 5 सेंटीमीटर है। हाँ। और बीच के दूरी जो बटे 10 सेंटीमीटर। अच्छा दीदी। बुवाई के बारे में समझ आई है, लेकिन जरा सिंचाई कब हो कर बारे में बताई दी बच्ची। सिंचाई एक पहले जो पहली सिंचाई हुई जो फूल आवे लगे तब, और दूसरे जो है फली आवे लगे तब सिंचाई हुई। अच्छा दीदी। दीदी ये तरीके से मटर बोए से कितना उपज मिला था? अगेती प्रजाति जो है हरी फली 16 कुंतल प्रति एकड़ प्राप्त होते है, और पछेती जो है 32 कुंतल प्रति एकड़ प्राप्त होते है। अच्छा दीदी, सब्जी मटर बोए से कौन कौन लाभ होते है? मटर के हरी फली बच्ची जो है कई प्रकार के व्यंजन बनाने काम आवत है। अच्छा दीदी। और हरे बीज का परीक्षण के द्वारा जो है डिब्बा बंद करके ये बिना मौसम में भी मतलब हर मौसम में मिला थी एक काम में आवत है। अच्छा दीदी। और हमारा जो है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, खनिज कई मतलब की भरपूर मात्रा में मिलत है। और इसमें जो दलहनी फसल हो गाते जो है इसमें जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है ये शक्ति भी बढ़ावत है। अच्छा दीदी। अच्छा दीदी, बुवाई करो समय कोनो कोनो चीज का विशेष ध्यान दे चाहिए? बच्ची पहली बात बीज उपचार करके बोए चाहिए, और दूसरी बात जो है कल मतलब गहराई 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और दूरी जो है बीज से बीज की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और बच्चे के जो लाइन से लाइन की दूरी जो है 60 सेंटीमीटर मतलब 2 फुट होक चाहिए। अच्छा। और क्यों वहाँ सिंचाई जो है पहली सिंचाई फूल आओ तो करे चाहिए, दूसरे जो है फली लगे तो करे चाहिए। दीदी, सब्जी मटर के बारे में हमें बहुत अच्छे कार्य दिए करे बारे में धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते। सब दीदी और बहनों से हमारा अनुरोध बा कि जोने प्रकार से गात्री दीदी हरी मटर के खेती करती वही प्रकार से आप सब करें और अधिक से अधिक लाभ कमाएं। धन्यवाद। नमस्ते।